What's up guys, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। My name is YTD शक्ति और आप सभी देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल Repsol Blog। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला आप सभी के यूपी स्क्वाड से रिलेटेड, जैसा कि आप सभी थंबनेल देख के जान ही गए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था यूपी स्क्वाड से रिलेटेड, उसमें आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे। उसमें मैंने बताया था कि आप सभी के जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है कैसे करेक्शन करना था, इस चीज़ के बारे में मैंने उस वीडियो में आप सभी को बताया था। और स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है, फॉरवर्ड कराने की क्या लास्ट डेट है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था। तो उस वीडियो में आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे, जो भी छात्र अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को करेक्शन करवा चुके हैं और अपने कॉलेज में सबमिट कर चुके हैं, ऐसे छात्रों के ज़्यादातर कमेंट ये थे कि उनके जो स्कॉलरशिप के स्टेटस है, जो करेक्शन शो हो रहा है, कब तक अपडेट होगा। और जो भी स्टूडेंट्स अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को करेक्शन नहीं करवा पाए हैं, ऐसे भी छात्रों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे। तो सबसे पहले, जो भी स्टूडेंट्स अपने सस्पेक्ट डाटा को करेक्शन करवा के अपने कॉलेज में जमा कर दिए हैं, इनके स्टेटस कब तक चेंज होंगे, इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अगर चैनल पर नए विजिट किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि हम स्कॉलरशिप से रिलेटेड छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना समय को हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, और आप सभी के जो करेक्शन थे स्कॉलरशिप पे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के जो करेक्शन की डेट थी वो 12 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक थी। तो जो भी स्टूडेंट्स अपने फॉर्म को करेक्शन करवा लिए हैं, ऐसे छात्रों के ज़्यादातर कमेंट्स आ रहे थे। और जो भी छात्र अपने फॉर्म को अभी तक अपने महाविद्यालय कार्यालय में नहीं जमा किए हैं, या अपने सस्पेक्ट डाटा का जो फॉर्म है उसको फॉरवर्ड नहीं करवाए अपने कॉलेज से, तो आज उसकी लास्ट डेट है, यानी कि 17 फरवरी आज उसकी लास्ट डेट है। तो आप सभी सबसे पहले अपने फॉर्म को अपने विद्यालय में जमा करके अपने फॉर्म को फॉरवर्ड करा लीजिए, तभी जाके आप सभी के जो स्टेटस है उसमें कोई भी अपडेट आ पाएगी, नहीं तो आपका फॉर्म है जो इंस्टीट्यूट लेवल से फॉरवर्ड नहीं दिखाएगा और आप सभी के करेक्शन नहीं हो पाएंगे, छूट जाएगा और 100% आप सभी के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स अपने फॉर्म को करेक्शन करवा लिए हैं, ऐसे छात्र अपने फॉर्म को सबसे पहले अपने विद्यालय कार्यालय में जमा कर लें जो नहीं जमा किए हैं, और हो सके तो अपने फॉर्म को तुरंत फॉरवर्ड करा लें, क्योंकि आज स्कॉलरशिप की जो फॉरवर्ड की लास्ट डेट है, तो अपने फॉर्म को सबसे पहले फॉरवर्ड करा लें। जो भी स्टूडेंट्स के करेक्शन नहीं हो पाए हैं, जो छात्र के फॉर्म में करेक्शन आया हुआ था और वे अपने फॉर्म को करेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं, करवा पाए हैं किसी भी वजह से, तो ऐसे छात्र अपने कॉलेज से कांटेक्ट बनाए रखें, क्योंकि एक बार दोबारा से करेक्शन की डेट आती है जो कॉलेज के थ्रू किया जाता है, कॉलेज के द्वारा कराया जाता है। तो आप सभी अपने कॉलेज से कांटेक्ट बनाए रखें, जब भी करेक्शन की डेट आती है आप सभी अपने महाविद्यालय कार्यालय पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करके अपने फॉर्म को करेक्शन करवा लीजिएगा। और ऐसे छात्रों का और कोई ऑप्शन अभी नहीं है, क्योंकि जो ऑनलाइन करेक्शन था वो 15 फरवरी को बंद हो गया है। और जो भी छात्र अपने स्कॉलरशिप स्टेटस को लेके काफ़ी परेशान थे कि हमने फॉर्म को जमा कर दिया था और अभी तक हमारे स्कॉलरशिप के फॉर्म को, स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, कोई भी अपडेट नहीं आई है, तो ऐसे छात्रों को मैं कन्फर्म बता दूं कि अभी आप सभी के आज 17 फरवरी यानी कि आज लास्ट डेट है फॉरवर्ड की, इसके बाद ही आप सभी के फॉर्म में कोई भी, आप सभी के जो स्कॉलरशिप का स्टेटस है उसमें कोई भी अपडेट शो होगा। जो भी अपडेट शो होगा वो आप सभी के लॉगिन पे कर दिया जाएगा, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो लास्ट बार एक बार मैं दोबारा से आपसे कन्फर्म बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स अपने स्कॉलरशिप स्टेटस को लेकर काफ़ी परेशान हैं कि मैंने अपने फॉर्म को कॉलेज में जमा करवा दिया था बट अभी तक मेरे फॉर्म में कोई भी अपडेट शो नहीं हो रहा है, तो ऐसे छात्र परेशान ना रहें, 18 फरवरी 2024 के बाद वे अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को चेक करते रहेंगे, क्योंकि 18 फरवरी के बाद ही आप सभी के जो स्टेटस है उसमें कोई भी अपडेट आना शुरू होगी। तो मुझे जहां तक लगता है इस टॉपिक को लेकर आप सभी कंफर्म हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा दूर हो गया होगा। और अगर आप सभी को कोई कन्फ्यूजन अभी भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर नए विजिट किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशंस आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तकलीफ बाय बाय, टाटा जय हिंद।